हाय फ्रेंड्स, सलाम अलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बेबी फ्रॉक यानी कि बेबी झबला बनाना बताऊंगी। बहुत ही प्यारा सा ये फ्रॉक है, आप घर पे इसके इजीली बना सकती हैं। तो ये कपड़ा मैंने लिया है, कपड़े का पन्ना जो है 42 इंच है, यानी कि मैं पन्ने में इसको बनाऊंगी। साइड से घेर और ऊपर का टॉप पार्ट दोनों इसी में से हमें निकालना है। कपड़े की लेंथ जो है वो सिंगल पार्ट में 22 इंच है, जबकि मैंने इसको डबल करके रखा हुआ है। तो घेर को इसमें हमें साइड से निकालना है और साइड से हमें टॉप पार्ट को भी निकालना है। तो ये कपड़ा हमारा आधा मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो देखिए, इसकी लंबाई है 11 इंच, तो इसकी चौड़ाई जो है वो भी हमें 11 इंच रखनी है। आप चाहें तो 10 इंच भी कर सकती हैं, इसकी चौड़ाई चाहें तो 10 इंच भी रख सकती हैं। तो इस तरह से कपड़े को मैंने ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर दिया है और हमें सेम लंबाई चौड़ाई के हिसाब से इसको स्क्वायर में कट कर लेना है। तो यहाँ से देखिए, मैंने कपड़े को कट कर दिया है। कपड़े को कट करने के बाद इसको मैं साइड में रखूँगी और ये देखिए मेरा घेर का कपड़ा है। तो घेर को यहाँ से हमें अलग अलग कर लेना है, क्योंकि इसका प्रिंट एक साइड है, तो इसे हमें कट करके कपड़े को पलटना होगा ताकि इसका जो फ्लावर की साइड है वो दोनों एक साइड हो जाए, यानी कि ऊपर की साइड हो जाए। तो इस तरह से घेर को मैंने कट कर दिया है और दोनों को इस तरह से एक साइड कर दिया है पलट करके। तो दोनों की साइड एक तरफ चली गई है फ्लावर की। तो अब पहले हम घेर को साइड में रखेंगे और टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने टॉप पार्ट की कटिंग के लिए कपड़ा लिया है, इसको हमें 4 फोल्ड में इस तरह से कर लेना होगा। एक बार और हमें फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ से हमें इसकी लंबाई नापनी होगी। तो लंबाई यहाँ से 5.5 इंच है, तो यहाँ से भी 5.5 इंच पर हमें निशान लगा लेना है, क्योंकि इसकी कटिंग हमें बिल्कुल राउंड शेप में करना होगा। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसकी गोलाई का निशान लगा दिया है। आप चाहें तो इसकी लंबाई चौड़ाई में थोड़ा सा डिफरेंट कर सकती हैं, यानी कि लंबाई आप 11 इंच रखेंगी तो चौड़ाई 10 इंच भी रख सकती हैं, वो आपकी चॉइस है, बच्चों के हेल्थ के हिसाब से। अब यहाँ से गले के लिए निशान लगाना होगा, तो 2 इंच हम गले के लिए निशान लगाएंगे, कंधे का भी 2 इंच निशान लगाएंगे। अब इसको हम बॉक्स बना लेंगे और गले की शेप का हम इस तरह से निशान लगा देंगे। अब हमें इस निशान पर गले की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने गले की कटिंग कर ली है। अब ये आप देख सकती हैं कि इसको मैंने राउंड शेप में कटिंग किया है। कपड़ा हमारा 2 फोल्ड है, क्योंकि हमें इसको सिलाई करके पलटना होगा। तो अब पीछे की साइड हमें खुला हुआ बनाना है, तो एक साइड से कपड़ा फोल्ड करके यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। ये जो मैंने कपड़ा कट किया है, इसको हमें पीछे की साइड रखना है। आप चाहें तो कंधे पर भी इस तरह से खोल सकती हैं, पीछे के बजाय कंधे पर भी खुला हुआ बना सकती हैं। तो अब ये मैंने दूसरे कलर का कपड़ा लिया है, इसे हमें ढेर सारी पाइपिंग कट करनी है। तो ये पाइपिंग भी मैंने कट कर ली है। इस पाइपिंग को हमें एक साथ ज्वाइंट करके एक लंबी सी पट्टी तैयार कर लेनी है। तो इसे ज्वाइंट कर लेना है पहले हमें, फिर वापस से इस वाले कपड़े को लेंगे और यहाँ से दोनों पार्ट मैंने अलग नहीं किया था, तो इसको मैंने अलग कर दिया है। अब एक पार्ट को हम साइड में रखेंगे और एक पार्ट को हम ले लेंगे सिलाई के लिए। तो देखिए, ये मैंने दोनों पार्ट इस तरह से रख दिया है। तो ये जो मैंने पाइपिंग कट की है, इसको हमें ज्वाइंट करने के बाद इसको डबल फोल्ड करके यहाँ से पूरे राउंड में सिलाई लगा लेना है। यानी कि इस मरून कलर की पट्टी को हमने देखिए इस तरह से लगा लिया है, इसी तरह से हमें लगा लेना है। तो इसकी सिलाई करने के बाद फिर वापस से हम इस वाले कपड़े को लेंगे और इसके ऊपर हम रख देंगे। अब इन दोनों कपड़े को एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद फिर हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे पूरे गले की गोलाई में, और यहाँ से घुमाते हुए इस तरह से पूरे गोलाई में सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है। एक साइड से मैंने खुला हुआ पार्ट छोड़ा है, बाकी मैंने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से हमें कपड़े को सीधा करना होगा, पर उससे पहले हम गले में इस तरह से कट लगाएंगे छोटा छोटा। कट लगाने से आपका कपड़ा बहुत ही इजीली पलट जाएगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ पलटेगा, तो इसलिए कट लगाना ज़रूरी होता है। तो पहले इसको हम सीधा कर लेंगे। देखिए, मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब एक साइड से जो मैंने खुला हुआ कपड़ा छोड़ा था, उसको भी मैंने सिलाई कर लिया है। तो अब इसको हमें इस तरह से रख लेना होगा।
तो इसको मैंने साइड में रख दिया है। अब मैंने अपने घेर वाले कपड़े को ले लिया है, तो इस तरह से आप देख सकती हैं कि ये जो मैंने घेर का कपड़ा लिया है, इसके जो प्रिंट है, प्रिंट की साइड को देखते हुए हमें इसको फोल्ड करना है। यानी कि इस तरह से हमें रख लेना है, जिस साइड से हमें कटिंग करना होगा तो फ्लावर की साइड ऊपर की साइड जानी चाहिए। तो अब यहाँ से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। 2 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है, दूसरी साइड से भी 2 इंच पर निशान लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने बॉक्स बना लिया है। अब ये हमारा आर्मोल का निशान होगा, तो आर्मोल का निशान मैंने लगा दिया है, इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये हो गई हमारी आर्मोल की कटिंग। अब इसको मैंने इस तरह से खोल लिया है घेर को। अब इसके दोनों पार्ट को हम अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने के बाद फिर हमें वापस से पाइपिंग लेना होगा। तो ये जो मैंने पाइपिंग कट की है, इसको हमें यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर लगाना है। इसी तरह से हमें दोनों घेर में इस पाइपिंग को लगा करके कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए, मैंने पाइपिंग को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब हमें घेर को फोल्ड करके इसके सेंटर में निशान लगाना होगा। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके इसके सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। दोनों घेर में हमें सेम तरीके से निशान लगा लेना होगा। तो इसे इस तरह से हम रखेंगे और इसी के हिसाब से दूसरे वाले में भी हम निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए, दोनों घेर में मैंने निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद अब यहाँ से हमें प्लेट डालनी होगी इस तरह से, यानी कि हमें आर्मोल तक जितना भी कपड़ा बचा हुआ है पूरे में प्लेट लगा लेना है। फिर दूसरी साइड से भी हम प्लेट लगाएंगे। इस प्लेट को हमें उतना लगाना होगा जितना हमें राउंड शेप में जॉइंट करने के लिए ज़रूरत होगी। तो इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा साइड में कपड़ा छोड़ा हुआ है, अगर ज़रूरत होगी तो एक एक प्लेट और लगा देंगे, एक एक चुनट। तो सबसे पहले हम अब टॉप पार्ट को लेंगे इसको, और इसको हम इस तरह से रख लेंगे। इस तरह से रखने के बाद अब हम इसमें निशान लगाएंगे। ये पीछे से जो खुला हुआ पार्ट है, इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे, उसके बाद हम इस पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ से पहले हमें निशान लगाना होगा। तो यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे, ये वाला निशान। दूसरी साइड भी हम लगा लेंगे। अब इस साइड भी हमें 3 इंच पर निशान लगा लेना है, और दूसरी साइड, नीचे वाली साइड भी हमें इस निशान को लगा लेना है। तो इस तरह से देख सकती हैं कि मैंने 3 इंच इसमें निशान लगाया है, 2 इंच मैंने घेर में आर्मोल का निशान लगाया है, तो टोटल कटिंग की है, सॉरी। तो इस तरह से हमारे आर्मोल की कटिंग कंप्लीट हो गई है पूरी। अब हमें इस तरह से इसको रख लेना होगा और यहाँ से घेर को हम सेट कर लेंगे। यानी कि एक साइड से दूसरी साइड तक हमें निशान से मिलाते हुए इस तरह से रख करके इस पर हमें सिलाई लगा लेना है। अगर इस तरह से सिलाई लगाना आपको ईजी ना लगे तो आप इसको पिन से सिक्योर करके आप इस पर सिलाई लगा सकती हैं। तो देखिए, मैंने एक साइड की सिलाई लगा ली है, उसी तरीके से हमें दूसरी साइड की भी सिलाई लगानी होगी। तो दूसरी साइड भी हम घेर को रख लेंगे इस तरह से, और इस पर भी हम उसी तरह से सिलाई लगाएंगे, और जो मैंने पीछे खुला हुआ पार्ट छोड़ा है वहाँ पर हम बटन लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने दोनों साइड इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हम रखेंगे, इसकी उल्टी साइड से। इसको अच्छे से सेट करने के बाद साइड से हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे, और नीचे एक साइड सिलाई से हम पूरा घेर फोल्ड कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा बेबी फ्रॉक पूरी तरह से कंप्लीट। आप देख सकती हैं इसका फाइनल लुक, बहुत ही प्यारा सा ये फ्रॉक बनके तैयार हुआ है। ये फ्रॉक बनाना बहुत ही ईजी है, आप भी इस तरह का प्यारा प्यारा सा फ्रॉक अपने घर पर बना करके बच्चों को पहना सकती हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।